नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एप्पल बेर में फ्लावरिंग दिखाया था और मैंने बताया था कि जब उसमें फ्रूट कन्वर्ट होंगे तो मैं आपको वीडियो की अपडेट दूंगा कि इसमें फल पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। और मेरे पास जो एप्पल बेर के प्लांट लगे हैं, मिस इंडिया लगा हुआ है और बाल सुंदरी एप्पल बेर लगा हुआ है, दो एप्पल बेर लगे हुए हैं, उसमें फल पकड़ पाया है या नहीं पकड़ पाया है पूरा वीडियो इसी पर है। इससे पहले चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको दिखा सकूं। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और दिखाऊंगा कि मेरे एप्पल बेर में एप्पल बेर आ रहे हैं या नहीं। तो वीडियो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरा एप्पल बेर के दो प्लांट हैं और ये दोनों ही 15x15 के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा क्लोजअप में पीछे से भी आपको जाके दिखा दे रहा हूँ बेर के। ये देख लीजिए दोस्तों, 15x15 के ग्रो बैग में लगे हुए हैं ये। पहले ये टीन के कंटेनर में और एक प्लास्टिक के गमले में लगे हुए थे और मैंने इन्हें कन्वर्ट किया है बरसात के सीज़न में। अब दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग तो बहुत आई। दो मेरे पास ये दो पेड़ हैं और इन दोनों पेड़ों में थोड़ा अलग अलग एप्पल बेर आए हैं। एक में ज़्यादा एप्पल बेर आए हैं, एक में कम आए हैं। कुछ कमी शायद रह गई है या जो कुछ भी है, क्योंकि मैं अपने वीडियो में दोस्तों कुछ भी नहीं छिपाता। और आप देख सकते हैं कि ये एप्पल बेर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और कलर भी देखिए दोस्तों आने लगा है। ये देख लीजिए, हल्का हल्का रेडिश कलर आने लगा है। आपको मैं क्लोजअप में और दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, एप्पल बेर इसमें पकड़ लिया है, प्रचुर मात्रा में फल पकड़ता है और 60 से 70 ग्राम तक इनके फलों का साइज़ होता है। ये देखिए, यहाँ देखिए कलर हल्का हल्का आने लगा है। ये देख लीजिए, जैसे जैसे सूरज की रोशनी इन बेरों पर पड़ती है इसमें कलर आने लगता है लाल कलर का। और सुंदरी बेर इसका नाम ऐसे ही नहीं है, ये काफ़ी सुंदर होता है देखने में। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, मेरा पुराना वीडियो एप्पल बेर का जो टीन के कंटेनर में लगा था, आप देख लीजिएगा कि कितना सुंदर देखने में लगता है और खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है कश्मीरी बाल सुंदरी एप्पल बेर। आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोजअप में दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए गुच्छों में लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, बहुत प्रचुर मात्रा में फल पकड़ता है। और अगर ये ज़मीन पर लगा हो तो मैं कह सकता हूँ कि 25 किलो तक इसमें बेर लग सकते हैं। फिलहाल गमले में यानी कि ग्रो बैग में भी 10 से 12 किलो तक लग सकता है, क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया इतने सारे एप्पल बेर लगे हुए हैं और एक फल का वज़न 60 से 70 ग्राम तक हो जाता है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि करीब 500 के ऊपर बेर लगे होंगे। तो इतने बेर खैर रुकेंगे नहीं। अगर आपने एप्पल बेर अपने टेरेस गार्डन पर लगाया है तो आपको खाने को ज़रूर मिल जाएगा और सुंदरता भी गार्डन की ये बढ़ाता है। बहुत लोग कहते हैं कि एप्पल बेर घर में नहीं लगाना चाहिए, कमेंट आया था कि अशुभ होता है। दोस्तों, पौधा कोई भी अशुभ नहीं होता है। जो पौधा प्राण वायु देता है, ऑक्सीजन देता है, वो अशुभ कैसे हो सकता है। तो बेर, हाँ, हालांकि लोगों की मान्यता है कि ये कांटेदार पौधा होता है तो इसलिए नहीं लगाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन और अंधविश्वास पर ना जाएं, बेर आप देख सकते हैं कोई भी कांटा दिखाई नहीं दे रहा। ये बाल सुंदरी एप्पल बेर है, कोई भी कांटा दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल कांटे होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं बाल सुंदरी एप्पल बेर में। ये देख लीजिए, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है कांटे अपने आप झड़ जाते हैं। तो इस वाले प्लांट में थोड़ा बेर कम आए हैं, जो कुछ भी रीजन रहा हो। ये देख लीजिए, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने इसकी रिपोर्टिंग इस प्लांट से कुछ दिन बाद की थी, यानी कि करीब 8-10 दिन बाद की थी, तो हो सकता है कि इसलिए ऐसा हो। और इस वाले में तो प्रचुर मात्रा में फल पकड़ लिया। अब आपको मैं नया पौधा दिखाता हूं जिसको मैंने सिर्फ एक महीने पहले दोस्तों लगाया है, जिसका नाम है मिस इंडिया एप्पल बेर। लोगों ने मुझे कहा था कि क्या एक महीने में एप्पल बेर में फल लग जाते हैं, और मैंने इसे ऑनलाइन ही मंगाया था, उसमें कांटे नहीं होते हैं उस प्लांट में, मिस इंडिया एप्पल बेर में। तो मिस इंडिया एप्पल बेर में मैं आपको अभी अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों। ये जो आप दो प्लांट एप्पल बेर के दिख रहे हैं, ये मिस इंडिया एप्पल बेर हैं और इसमें देख लीजिए कहीं भी कोई भी कांटा दिखाई नहीं दे रहा। ये देख लीजिए, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें फल पकड़ा है या नहीं। ये देख लीजिए, इसमें अभी फ्रूट पकड़ लिया है। यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ कम से कम 3 से 4 फ्रूट पकड़ लिया है। और एप्पल बेर में बहुत जल्दी फ्रूट पकड़ लेता है। बताइए, एक महीना पहले मैंने इसे प्लांट किया था और प्लांट की ग्रोथ भी बढ़िया चल रही है, फ्लावरिंग भी आ गई और फल भी पकड़ लिया। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मैं आपको साक्षात दिखा रहा हूँ। लोग कह रहे थे कि एक महीने में कहाँ बेर लग पाएगा,
और सोचिए छोटा सा पौधा था 1 फुट का, अब ये हो गया है 2.5 फुट का और इसमें फ्लावरिंग भी आ गई है, फल भी पकड़ लिया है। इसी तरह इसमें भी फ्लावरिंग आ गई है लेकिन इसमें फल अभी नहीं पकड़ा है, क्योंकि ये 1 फुट का था और ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए इसमें लग गया। तो अगर आप बरसात में एप्पल बेर का पौधा लगाएंगे तो आपको सर्दियों में बेर खाने को मिल जाएगा। बेर की यही खासियत होती है कि बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ये जंगली पौधों में आते हैं। और मिस इंडिया बेर की खासियत यही है, इसमें कांटे नहीं। तो बेर में ज़्यादा बेर लगने के लिए यानी कि पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, यानी जो कीट मकोड़े होते हैं इसके ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं मैंने गुलाब के फूल बहुत सुंदर तरीके से प्लांट कर रखा है अपने बेर के आसपास। ये देख लीजिए दोस्तों, ये मेरा बेर का पौधा है, ये गुलाब के पौधे हैं, बहुत सारे गुलाब इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए ये सब पॉली बैग्स में गुलाब हैं। ये गुलाब मेरे पास जो है काफ़ी समय से हैं, कह सकता हूँ 7-8 साल से ये गुलाब हैं, ये कोई नए पौधे नहीं हैं। हर साल मैं इनकी नई मिट्टी नई खाद लगा के रिपोर्टिंग करता हूँ, रूट की प्रूनिंग करता हूँ, पौधे की प्रूनिंग करता हूँ, तभी इतने सुंदर सुंदर मेरे पौधों में गुलाब आते हैं। तो जब मधुमक्खियाँ आएंगी यानी हनी बीज आएंगी तब इसमें पॉलिनेशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेर लगेंगे। यही कारण है कि मेरे एप्पल बेर के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है एप्पल बेर लग रहे हैं। इसी कारण से मैंने ये गुलाब के पौधे एप्पल बेर के प्लांट के पास रखे हुए हैं ताकि हनी बीज आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेर लगें। तो यही कारण है। और जिनके एप्पल बेर के पौधे में फ्लावरिंग कम आ रही है या बेर नहीं पकड़ रहा है, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लानोफिक्स 2 बूंद 1 लीटर पानी में डालकर आप प्लांट पर छिड़काव कर दीजिए, इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। प्लानोफिक्स बहुत बढ़िया होता है। और जिसके और इनके एप्पल बेर बड़े भी हो गए हैं जैसे मेरी तरह हो गए हैं, तो वो भी 2-3 बूंद 1 लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर दें प्लानोफिक्स का, तो फल जो है मजबूती से पकड़ लेगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था एप्पल बेर की अपडेट पर था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि गार्डनिंग रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको दिखाता रहता हूँ। नमस्कार।